गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आगे हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, कल हमने लास्ट टॉपिक जो एंड किया था, याद होगा सभी को, कल हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझे? मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने किसी सरफेस को रख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किसी सरफेस को रखने पर उसका सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से सरफेस एरिया वेक्टर थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। इस कंडीशन में निश्चित है कि इस सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करती है। क्या लिख रखी है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर फाइ, दिस इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट खोला जाए, फाइ दिस इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर टोटल सरफेस से पास आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये हमारे काम में आएगा सरफेस इंटीग्रल। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट फिर खोल के रख दें, फाइ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट की बात करें, यूनिट में दिख रहा है मल्टीपल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीपल। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो फाइ की जो ऐसा यूनिट बन गई वो बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे ही सिस्टम में अदर यूनिट लिखी जा सकती है जूल मीटर पर कूलम। कैसे आई है देखिए, फाइ इज इक्वल टू ई इनटू ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इंटू एरिया, एफ इंटू एस क्यू नॉट इंटू एस इंटू एस। क्या करो, डिस्प्लेसमेंट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बन गया, नीचे चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ए। यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट में वर्क को जूल में, चार्ज को कूलाम में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर, बचा रह जाता है जूल मीटर पर। जो सेकंड डायरेक्ट लिखी हुई समझ में आ गई कैसे है? एक यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सेकंड यूनिट बन गई आपके जूल मीटर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिख रहा है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, और हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही कहती है, डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये जो कहला रहा है ये इंटीग्रल है, ये जो बना हुआ है मीन्स टोटल इंटीग्रल है। एस का मतलब टोटल इंटीग्रल फॉर सरफेस, जिसे लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या है, enclosed charge and epsilon naught, this is the permittivity of free vacuum,
वैल्यू हमने पढ़ी है 8.85 × 10⁻¹² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम या से गॉस लॉ भी क्या कर जाता है, स्टेटमेंट क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्यों क्या है, वो टोटल चार्ज है जो सरफेस में मौजूद है, एनक्लोज्ड हो रहा है पूरी सरफेस से, जो एनक्लोज सरफेस चार्ज है क्यों है, तो 1/ε0 ऑफ क्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक परिभाषा में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इन टोटल इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड सरफेस एस ई डॉट डी एस दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अभी हमने गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ी, तो थ्योरम का प्रूफ देखिए, डायग्राम दिखाई दे रहे, आर रेडियस का कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो सरफेस पे जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओ से ई की डायरेक्शन में दिखाई दे रही, आउटसाइड डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है, क्लोज सरफेस है जो स्फेरिकल शेप में है जिसे गाउसियन सरफेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमें इसी सरफेस के लिए गाउस की थ्योरम को प्रूफ करना है। लेट द पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड ए इनसाइड द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन बाय, हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इक्वल टू ई दिस इक्वल टू के पॉइंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ई दिस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ने फाई दिस इक्वल टू टोटल इंटीग्रल सरफेस ई डॉट डी एस, E डॉट को खोल दे तो E डी एस कॉस थीटा, या थीटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन और डी एस मीन सरफेस एरिया की डायरेक्शन के बीच का एंगल। डायग्राम को गौर से देखिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और जो सरफेस एरिया है वो भी सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन मीन पैरेलल होने की वजह से थीटा कितना हो जाएगा जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू बन जाएगी वन। फाइव दिस इक्वल टू बचा रह जाएगा टोटल इंटीग्रल ऑफ एस ई डी एस, सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ईच पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से या पॉइंट चार्ज से सेम रहेगी, इसका मतलब ई की वैल्यू पूरी सरफेस के लिए कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, तो कॉन्स्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, देन बचा रह गया टोटल इंटीग्रल सरफेस ऑफ डी एस, इसका मतलब सभी डी एस को जोड़ दिया जाए तो ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इंटीग्रल ऑफ डीएस की वैल्यू रख दी 4πr². ई क्या है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r², इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, देन फाइव इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r² इंटू 4πr², r² से r² कैंसिल, के कूलॉम कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जब कूलॉम कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी रख दी तो 4π से 4π फिर कैंसिल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द गाउसियन सरफेस दिस इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमने गाउसियन थ्योरम में पढ़ा, फाइव दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू क्या है टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या था चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जो आता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू ए चार्ज ऑब्जेक्ट, अब चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के शेप की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने पर उस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पहला वन डायमेंशनल सिस्टम हो, टू डायमेंशनल सिस्टम और थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो। वन डायमेंशनल सिस्टम हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट साइज लीनियर हो, ऑब्जेक्ट के सरफेस की बात की जाए, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात की जाए,
जब हम किसी भी लीनियर शेप के ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे तो चार्ज उस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पढ़ा था हमने यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिस इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ क्यू अपॉन एल। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन वो आ जाती है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इस इनफाइनाइट स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी सहायता से? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की सहायता। सेकंड, टू डायमेंशन सिस्टम की बात करें, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। थर्ड, हो सकता है ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल हो। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सरफेस। इन तीनों का डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमें तीनों को डिटेल में पढ़ना है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जनरली क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं एप्लीकेशन पे बेस्ड रहता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक चीज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, टू डायमेंशनल के कारण करेंगे और थ्री डायमेंशनल के कारण करेंगे। इसमें भी हमारे स्फेरिकल शेल 2020 के सिलेबस से हट चुकी है। तो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही चीजों पर ध्यान देना है, एक वन डायमेंशनल सिस्टम जिसमें लीनियर सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक टू डायमेंशनल सिस्टम जिसमें हम इनफाइनाइट प्लेन शीट जो चार्ज की गई है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।